तो इसमें एक्सेल सीखेंगे इस बार। तो एक्सेल में सबसे पहले यहाँ पर इसको ओपन करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप स्टार्ट बटन में जाइए, स्टार्ट बटन से यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्सेल टाइप कर दो तो अपना एक्सेल खुल जाएगा। यहाँ से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका है, यहाँ पे माउस पे राइट क्लिक करके न्यू टैब पे जा करके यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट तैयार कर लेंगे। उसका कोई भी नेम रख देंगे हम अपना, जो आपको अच्छा लगे। पर डबल क्लिक करें तो आपकी एक एक्सेल की होम स्क्रीन ओपन हो जाएगी, एक ये वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ये हमारा एक पूरा एक्सेल का होम स्क्रीन है, पूरी से बोल सकते हैं आप होम स्क्रीन। ये पूरा जो एक्सेल के जो टूल्स हैं वो सब में सेम आते हैं, और उसका इंटरफेस भी सब में सेम ही होता है। देखने के लिए व्यू में जाकर के रिव्यू सब में सेम होता है। और अब इसके इंटरफेस को देखते हैं, इसमें क्या आया कि जैसे सबसे पहले आप देखते हैं फाइल, जो लेटेस्ट वर्जन है ये एक्सेल का 2021 का। तो इसमें फाइल ऐसे आता है, पहले सब में यहाँ पर थोड़ा उसके ऊपर आता था। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, या पुरानी फाइल्स जो सेव की गई हैं उसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं फाइल को, या सेव फाइल को सेव एज कर सकते हैं। जैसे कि इस फाइल का नाम है टेक वस्त्र 2, तो इसे सेव एज कर सकते हैं। यहाँ से हम उसका कोई भी नाम चेंज कर सकते हैं, सेव एज टेक वस्त्र का नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एक्सेल फाइल। इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम हो गया एक्सेल फाइल, इसका नाम उसका सेव हो चुकी है। इसका नेम चेंज कर सकते हैं, इसे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं किसी के पास, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको, पब्लिश कर सकते हो, क्लोज। ठीक है, यहाँ से क्लोज हो गया। अब इस अपने फाइल को सेव करने के दूसरे तरीके होते हैं, कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं, इसके शॉर्ट की होती है। एक्सेल के एक्सेल बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो हम आपको एक आखिरी वीडियो में दिखा देंगे, सब में लास्ट वीडियो सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसमें ये सभी बॉक्सेस जो दिखाई दे रहे हैं, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, इन सब में बहुत से टूल्स हैं जिसको हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी वर्कशीट में क्या होता है। ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ से, ये पूरा जो एक्सेल का जो डिब्बे से बने हुए हैं बॉक्सेस, ये बॉक्स जो बना हुआ है इसे हम सेल कहते हैं, सेल। और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने क्लिक किया है इस पर, तो ये है 3, ये है D, तो उसकी क्या हो जाएगा नेम, D3। यहाँ पर आप देख सकते हैं D3 है। इस पर क्लिक किया हमने F5, तो F5 नेम हो गया। अब डायरेक्ट भी जा सकते हैं, किसी को जंप कर सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए A1, तो आप सब डायरेक्ट A1 पे जंप कर जाएंगे। तो ये हम आ चुके हैं A1 में। जैसे कि जस्ट सेल एड्रेस के बगल में आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार, ये एक हमारा एक फॉर्मूला बार है। जैसे कि इसे कैसे यूज में लाते हैं इसका देख सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया, नंबर्स टाइप कर लेते हैं अपने वन टू थ्री या इसको हम और आई कर ले। इसे बढ़ा देते हैं आगे तक, 12 तक कर लिया हमने। जैसे कि हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू सम का करते हैं, यहाँ से हमने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट में हमने अपने नंबर को असाइन करा दिया, फर्स्ट नंबर, देन सेकंड नंबर को, थर्ड नंबर को असाइन कराएंगे, फोर्थ नंबर को असाइन कराएंगे, ऐसे ही फिफ्थ नंबर को भी असाइन करा देंगे, सिक्स नंबर को असाइन कराएंगे, सेवन्थ नंबर को असाइन करा देंगे, इसे एट को, नाइन को, टेन को, सभी नंबर को यहाँ से असाइन करा देंगे। शिफ्ट के साथ में उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे, तो आपको रिजल्ट मिल गया 66। तो फॉरवर्ड बार क्या करता है कि यहाँ पे जैसे 66 दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पता नहीं क्या 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 हुआ है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो
तो आप ऊपर देख सकते हैं फॉर्मूले बार में, इस पे क्लिक करते ही जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सम हो रहा है S2, S3, S4 एज इट इज 12 तक का हो रहा है। एंड इफ यू वॉन्ट टू नो दैट ये S12 हमारा कहाँ पर है या ये वैल्यू कौन सी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाएं और यहाँ पे हमारा क्लिक कर दें S12, एंटर कर दें, तो आपकी S12 की वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। या जैसे कि आप S12 को डिलीट करना चाहते हो, डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि आप S12 पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर S12 एंटर एंड देन डिलीट, तो आपकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये हो गया फॉर्मूले बार का यूज। फॉर्मूले बार का दूसरा यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि कोई बहुत लंबा टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि 2-3 लाइन में लिखा हुआ है और जिसे आप बिना स्क्रॉल करे हुए नहीं देख सकते हैं, तो उसे एक जगह पर देखने के लिए आप उसे फॉर्मूले बार में देख सकते हैं और वहीं से उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने कोई ज़्यादा लंबा टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पर, तो आप इसको एक जगह पर डायरेक्टली फॉर्मूले बार में ऐसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरा टेक्स्ट मिल जाता है, आपको टेक्स्ट की एडिटिंग कर सकते हो, आप कहीं से भी हटा सकते हो, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारा फॉर्मूले बार का यूज हो चुका है यहाँ से, ऐसा मतलब फॉर्मूले बार को ऐसे यूज कर सकते हो आप। ये पूरे जो इंटरफेस को वर्कबुक बोलते हैं और जिस पे काम चल रहा है हमारा, जैसे इस पे हम इतने पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपने डाटा एंटर कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं वर्कशीट, वर्कशीट। इसे वर्कशीट क्यों बोलते हैं? और वर्कशीट जैसे हमने यहाँ पर कोई काम कर लिया, तो यहाँ पर हम नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट साइड के कॉर्नर में सीट्स दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ से आप सीट्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे एक न्यू सीट आ चुकी है। एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट्स होती हैं, जैसे कि एक कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, उस तरह से एक वर्कबुक में बहुत सारे सीट्स होती हैं। तो यहाँ से आप सीट्स को ऐड कर सकते हैं जितना आप चाहें और सीट्स का नेम भी दे सकते हैं, जैसे कि मेन वर्क, डबल क्लिक करके रफ एरिया, कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं आप। अगर डिलीट करना हो तो राइट साइड क्लिक करके यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएंगे रिनेम करने का, व्यू कोड, प्रोटेक्ट सीट, या डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमारी वो सीट जो है वो डिलीट हो जाएगी। इस तरह से राइट साइड पे क्लिक करने पर आपको ऑप्शन दिखेंगे, वहां से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो मैं डिलीट कर ठीक है, लूँ। अब आते हैं दोबारा अपने मेन वर्कबुक पे। तो इसको यहाँ तक हम सीख चुके हैं। अगले वाले वीडियो में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में, स्टेप के बारे में, क्लिपबोर्ड के बारे में, फॉन्ट्स के बारे में, फॉन्ट एडिटिंग के, इन सभी के बारे में सीखेंगे पूरे विस्तार से। तब तक के लिए धन्यवाद।